अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन की आगामी दो यात्राओं को लेकर बागली के जैन तीर्थ शिवपुर मातमोर पर बैठक आयोजित हुई, जहां पर फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों ने मणिभद्र बाबा से दोनों यात्राओं के संकल्पों के पूर्ण होने की कामना की। बैठक में संघ के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से सभी पदाधिकारियों द्वारा चर्चा की गई। मीडिया से चर्चा करते हुए फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीयूष जैन इंदौर ने फेडरेशन की गतिविधियां, संकल्प व सोच के बारे में विस्तृत जानकारी दी। श्री जैन ने बताया कि निकट भविष्य में अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन दो अलग अलग यात्राओं का आयोजन कर रहा है। प्रथम यात्रा श्री नाकोड़ा जी तीर्थ यात्रा, जो कि 18 मार्च को इंदौर से प्रस्थान करेगी और 23 मार्च को इंदौर पहुंचेगी, जिसमें 300 से अधिक यात्रीगण जाएंगे, और दूसरी कश्मीर यात्रा अहिंसा शांति यात्रा 2 अप्रैल को इंदौर से प्रस्थान कर दिल्ली श्रीनगर पहलगाम होते हुए 8 मार्च को इंदौर पहुंचकर संपन्न होगी, जिसमें करीब 135 यात्रीगण यात्रा करेंगे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मातमोर शिवपुर तीर्थ में प्रभु के दरबार में अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन के पदाधिकारीगण और यात्रा संयोजक यहाँ पर प्रभु से ये कामना करने आए कि ईश्वर, जो हमारी नाकोड़ा की यात्रा 18 तारीख को प्रारंभ हो रही है, 23 तारीख को वापस इंदौर आएगी, वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और सभी प्रभु भक्ति का आनंद ले, इस दृष्टि से इस यात्रा का आयोजन किया गया है। भाई हमारे संजय जी नारसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भरत जी शाह इस यात्रा के संयोजक हैं, इनके नेतृत्व में ये हम सब यात्रा में जा रहे हैं। इसी प्रकार एक यात्रा हम अहिंसा शांति यात्रा के नाम से कश्मीर की लेके जा रहे हैं। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करने आए कि जो कश्मीर हमारा है वो शांति का टापू बने और वहाँ पर सब लोग हिल मिल के रहे, इसी उद्देश्य को लेके वो यात्रा भी हम जा रहे हैं। नाकोड़ा संगठन का उद्देश्य है, इसका ध्येय वाक्य है मैत्री से संगठन, संगठन से सेवा। मैत्री से संगठन, समाज एकत्र हो और एक दूसरे से जुड़े और मैत्री भावना बने, इसका उद्देश्य सर्वप्रथम ये है। और जब संगठन का निर्माण हो जाता है तो संगठन सेवा के कार्य को हाथ में ले। हाँ भाई संजय जी नाहर के नेतृत्व में हमने गरीब जो कन्याएं होती है उनको हम अभी भी राशि दे रहे हैं 25,000 रुपये प्रति विवाह। पहले हम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते थे, लेकिन कोविड काल में वो समस्या रही, तो हमने प्रति कन्या को, जिसके माता पिता या पिता कोविड काल में नहीं रहे, उसको 25,000 रुपये की राशि विवाह के पूर्व फेडरेशन द्वारा प्रदान की जाती है। फेडरेशन द्वारा धार्मिक कार्यक्रम के साथ सेवा के कार्य भी बहुत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।